वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू मेजो काशी हेल्थ केयर सेंटर। मैं डॉक्टर प्राची सिंह आप सबके सामने फिर से एक बार कुछ और नई एंट्रीज के मेडिकल का इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। ये एंट्रीज है हमारी ग्रेजुएट एंट्रीज की। आफ्टर ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट्स डिफेंस में जाना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी एंट्रीज के थ्रू जाते हैं और एक ही स्टूडेंट कितनी एंट्रीज अप्लाई कर सकता है। तो जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में अंडर ग्रेजुएट एंट्रीज को ऑलरेडी क्लियर आउट किया है, इस बार ग्रेजुएट एंट्रीज को हम प्रॉपरली क्लियर कर लेंगे। सो, अब बात करते हैं कौन कौन सी एंट्रीज होती है जो आफ्टर ग्रेजुएशन होती है। और सबसे पहले तो कि अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन जा रहे हैं तो इट इज़ ओनली द कमीशनड वे, सिर्फ ऑफिसर रैंकिंग की ही एंट्रीज आती है आपके पास में, क्योंकि वंस यू आर ग्रेजुएटेड यू आर डेफिनेटली मोर मेच्योर, मोर स्ट्रॉन्ग, मोर स्टेबल, मोर हेल्दियर। तो इस वजह से एंड सिमिलरली इसी तरह से जब आप डिफेंस में जब वहाँ जाते हैं मेडिकल के लिए जाते हैं तो दे डिमांड मोर, डिमांड इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जो स्टूडेंट आफ्टर ट्वेल्थ गया है, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन जा रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफरेंट। क्योंकि आप जब एक ग्रेजुएशन कंप्लीट अपना करके जाते हैं तो आप में नीटनेस, क्लीनलीनेस, हाइजीनिसिटी डेफिनेटली ज़्यादा मेंटेन होना चाहिए। सो दैट इज़ द पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड मेडिकल क्राइटेरियाज है तो वो आज हम डेफिनेटली वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कौन कौन सी एंट्रीज। तो आता है CDS, जिसके अंदर चार अलग अलग एंट्रीज आती है, IMA, OTA जो कि आर्मी विंग की होती है, AFA एयरफोर्स की, एंड NA नेवल एकेडमी की। उसके अलावा एयरफोर्स का होता है FCAT, नेवी का होता है अपना INET पूरा अलग से, एंड डेफिनेटली TA, ACC ये सारी आफ्टर ग्रेजुएशन। ACC तो डेफिनेटली इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट क्योंकि वो इंटरनल, इट इज़ लाइक फॉर प्रमोशनल एग्जाम्स होता है, इंटरनल एग्ज़ाम है जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी डिफेंस में है सिर्फ वही ACC में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही जा सकते हैं। एंड अगर हम और कुछ मिस आउट नहीं कर रहे तो लेट्स स्टार्ट विथ The conversation for today. Medical standard criterias अगर हम देखें तो जो mandatory चीज़ें हैं वो यहाँ पर भी सेम है। सबसे पहले तो visual standards में एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मतलब एक proper पता चल जाती है क्या, कि आप already 20 years cross कर चुके हैं, so you are definitely eligible for LASIK surgery PRK, मतलब आप अपने चश्मे के नंबर हटवा सकते हैं। लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है, अगर किसी भी कैंडिडेट ने अपना LASIK कराया है या उसने अपने चश्मे के नंबर हटवाए हुए हैं तो डेफिनेटली एक साल का अनहिंडर्ड अनकॉम्प्लिकेटेड गैप होना चाहिए बिटवीन द सर्जरी एंड द मेडिकल फॉर LASIK। आमतौर पे हमने देखा है कि सर्जरी का गैप मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए, बट फॉर LASIK दे हैव ऑलरेडी क्लियरली मैंडेटरी स्टेटेड दैट थिंग कि एक साल का गैप मिनिमम आपका होना चाहिए। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट कि आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जो होता है डेफिनेटली, और इसमें भी अगर FCAT की एंट्री आती है या एयरफोर्स में AFA की एंट्री आती है तो आपका LFT, KFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट मैंडेटरी होता है। स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज के हिसाब से अगर हम और आगे बढ़े तो डेफिनेटली डेंटल टार्टर रिमूव करवाना, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कानों में से वैक्स निकालना, योर वैक्स रिमूवल, इट इज़ डेफिनेटली 100% मैंडेटरी फॉर ईच वन ऑल ऑफ यू। आई वुड सजेस्ट दैट थिंग के आप अपना फुल बॉडी शेव करा के जाए, अंडर आर्म्स, प्राइवेट पार्ट्स, अलॉन्ग विद द चेस्ट, लेग्स अगर बहुत ज़्यादा बाल है तो, क्योंकि जब वो ECG कर रहे हैं या कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, आई टोल्ड यू दे डिमांड मोर क्लीनलीनेस, नीटनेस एंड मेच्योरिटी, क्योंकि यू आर ऑलरेडी अ ग्रेजुएट कैंडिडेट। आपको डायरेक्टली एक एक साल का ट्रेनिंग के बाद में यू आर गोइंग टू बी पोस्टेड, यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, सो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ उनको दिखनी चाहिए हर एक चीज़ में। आपका ECG होता है, ENT में यही चीज़ें चेक होती है, कानों में भाई एक तो वैक्स रिमूव है ऑलरेडी, देन आपका पर्दा इंटैक्ट ना हो, होल ना हो, कान बह ना रहा हो, अगर पहले उसमें होल या कुछ हो गया है, आपने रिकंस्ट्रक्शन कराया है तो आफ्टर 6 मंथ यू आर एलिजिबल। देन कोई भी स्वेलिंग, ग्लैन्युलर स्वेलिंग आपका बॉडी में, इट इज़ नॉट अलाउड, लाइपोमा इट इज़ नॉट अलाउड, कीलॉइड इट इज़ नॉट अलाउड, ये सब नहीं होना चाहिए, कोई स्किन इन्फेक्शंस, ल्यूकोडर्मल इन्फेक्शंस नॉट अलाउड, दाद, दरात, खुजली, नथिंग इज़ अलाउड, यू शुड बी क्लीन, योर स्किन शुड बी हेल्दी, यू शुड बी हेल्दी, कैंडिडेट फिजिकली एंड मेंटली कम्प्लीटली हेल्दी होना चाहिए, दैट इज़ द क्राइटेरिया।
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो डेविएटेड नेजल सेप्टम DNS इट इज़ नॉट अलाउड कम्प्लीटली. डेंटल में भी अगर हम देखें तो ठीक है, आपका अगर दांत में दिक्कत था लाइक कैविटी या कैरीज, डेंटल कैरीज के साथ आप वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपने उसको ठीक करा लिया है तो उसके बाद में आप जा सकते हैं. आप इम्प्लांट करा सकते हैं लेकिन पॉइंट्स नहीं मिलता है, रूट कैनल या ऐसा कुछ भी है तो इट इज़ अलाउड, नो इश्यूज. जो अगर आपका विजडम टूथ प्रॉपरली डेवलप्ड है तो टू पॉइंट्स फॉर ईच, दैट इज़ ऑल्सो थिंग. नाउ मूविंग टूवर्ड्स एन ओरल हाइजीन, आपको पूरा प्रॉपर मेंटेन करना है. नेक्स्ट अगर हम स्टैंडर्ड देखें तो वी वुड बी लाइक सीइंग विजन, ठीक है. अब अगर आर्मी विंग की हम बात करें, ठीक है, तो आर्मी विंग में अगर आप IMA OTA इन एंट्रीज के थ्रू जा रहे हैं या फिर ACC के थ्रू आप जा रहे हैं या ये कोई भी मतलब आर्मी विंग की एंट्रीज है, तो डेफिनेटली उसके अंदर -3.5 तक अलाउड है. अंडर ग्रेजुएट एंट्रीज में इट इज़ -2.50, बट यहाँ पे इट इज़ -3.50 तक अलाउड है. डेफिनेटली TA के लिए भी अगर हम कहें तो सेम क्राइटेरिया रहता है. सो दीज आर द स्टैंडर्ड्स. बाकी हाँ, ये चीज़ आता है कि क्या फ्लाइंग ब्रांच में अगर हमें जाना है एयरफोर्स के थ्रू तो चश्मा अलाउड नहीं है. विजन शुड बी 6x6, देर इज नो उसमें कोई डिफरेंस क्राइटेरिया नहीं है. नेवी में भी अगर हम देखें तो 0.75 तक. इंडियन कोस्ट गार्ड का भी अगर हम ऑफिसर रैंकिंग का देखते हैं तो 6x6 आपका विजन इट इज़ कंपल्सरी. ग्लासेस आर अलाउड, बट आपका विजन इवन अलॉन्ग विद द ग्लासेस जो है वो 6x6 का होना चाहिए. कलर विजन इज नॉट अलाउड. CP1, CP2, CP3 इट इज़ एक्सेप्टेड, बट पूरा कलर कम्प्लीटली कलर ब्लाइंड पर्सन इट इज़ नॉट अलाउड. एंड इट इज़ जेनेटिक्स, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. कोई भी पास्ट सर्जरी, फ्रैक्चर या कुछ भी आपको चोट आया हो उसका निशान, तो इट इज़ ओके, इट इज़ फाइन. बॉडी में प्लेट, रॉड, स्क्रू, के वायरिंग ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए. आपका जो भी पास्ट इंजरी रहा है वो कंप्लीटली हील्ड होना चाहिए. मिनिमम 6 मंथ का ड्यूरेशन होना चाहिए. छोटे इन टर्म्स ऑफ ये नहीं है कि भाई गिर गए, छिल गया, नो, इन काइंड ऑफ प्रॉपर कि जिसमें आपको ओपन सर्जरी, देखिए ओपन अगर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, ठीक है, ओपन सर्जरी है तो 1 साल का गैप होना चाहिए. ओपन एंड लैप्रोस्कोपिक इज एक्चुअली डिफरेंट. अगर ओपन सर्जरी है तो 1 साल का गैप होना चाहिए, लैप्रोस्कोपिक है तो 6 मंथ का गैप होना चाहिए. एंड सर्टेन वैसे उन्होंने 12 मंथ्स बताया है. कुछ कुछ सर्जरीज में 12 वीक्स अलाउड है. छोटी छोटी जो सर्जरीज होती है, प्रोसीजर्स होती है, उसके लिए 12 वीक्स का हीलिंग टाइम. बट द थिंग इज कि जब आप वहाँ मेडिकल के लिए जा रहे हो तो कम्प्लीटली हील्ड अप कंडीशन में जाना है, बिकॉज इट इज़ इन देयर हैंड्स वेदर टू एक्सेप्ट दैट थिंग. बिकॉज ऑब्वियसली इफ आई हैव थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट और उसमें से मुझे सर्टेन हंड्रेड्स ऑफ चुनने हैं, आई वुड प्रेफर द हेल्थीएस्ट वन. सो डेफिनेटली डिफेंस का क्राइटेरिया भी इट इज़ सेम कि उन वो लोग सबसे हेल्दियर एंड हेल्थीएस्ट कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं डेफिनेटली. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स. प्लस आपको कोई भी बोने डिफॉर्मिटीज नहीं होनी चाहिए. ये सारे स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज, इट इज़ इक्वल फॉर ईच एंड एवरी वन. जैसे कि कैरिंग एंगल 5 to 15 के अलावा अगर है कम या ज़्यादा, इट इज़ नॉट अलाउड. देन आपका फ्लैट फुट नॉट अलाउड, नॉकनी नॉट अलाउड. सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट ऑलरेडी है. स्कोलियोसिस नॉट अलाउड. 10 degree तक है तो ठीक है, वन नाइट इज़ नॉट अलाउड. रिब केज जो आपका है प्रॉपर, वो अगर इट इज़ डिफेक्टिव या वो एबनॉर्मल है लाइक अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल एनी, तो इट इज़ नॉट अलाउड. कोई भी ऑर्गन में स्वेलिंग, ग्लैंडुलर स्वेलिंग ये सारा चीज़ें नहीं होना चाहिए. द पर्सन शुड बी फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी एज पर द PDF जो उन्होंने ऑलरेडी कहा है. सो दीज आर द क्राइटेरियाज कि उसे आपको सेट करना है. एंड इट इज़ वेरी 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 सिंपलेस्ट फॉर्म में उन्होंने कहा है कि वी वॉन्ट अ कैंडिडेट दैट शुड बी फिजिकली एंड मेंटली फिट. दैट्स इट, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको वहाँ किस कंडीशंस में, किस क्राइटेरिया में, किस क्लाइमेट में, किस एटमोसफेयर में आपको क्या काम करना है, यू वुड नेवर नो. सो दैट्स वाई आई होप सो कि आज इस वीडियो से वी हैव क्लियर द क्राइटेरिया फॉर ऑल ग्रेजुएट एंट्रीज. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू से कि जो SSB डायरेक्ट SSB एंट्रीज होती है, दैट डेफिनेटली इट्स आवर नेक्स्ट वीडियो. मैं अभी से ही ये चीज़ आपको बता दे रही हूँ. डायरेक्ट SSB एंट्रीज जितनी भी होती है 12th लेवल पे या फिर जैसे आर्मी TS, नेवी TS या तो ग्रेजुएट लेवल पे बहुत सारी एंट्रीज होती है, वो सारी एंट्रीज की हम बात करेंगे कि जो डायरेक्ट SSB एंट्रीज या टेक्निकल एंट्रीज है उनको क्या मेडिकल क्राइटेरियाज है जो जिसमें आप पैरामीटर्स को फिट होना चाहिए डेफिनेटली. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो के लिए
आई वुड से ऑल द बेस्ट. आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर फिजिकली एंड मेंटली फिट, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू आर ऑलवेज वेलकम टू मेजर कल्ची हेल्थ केयर सेंटर. मैं डॉक्टर प्राची सिंह, टिल देन गेट अ सी ऑफ. जय हिंद.